जाने को माँ से अस्सलामुअलैकुम जी, से व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत मेहरबानी। तो भी जाने लगा, उनकी कॉलेज तैयारी हो गई है, अभी रास्ते में ही। मैंने देखा है खूबसूरत बंगले जो है भाई साहब जो खेत में से कुछ खा पी रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इधर भी कुछ हैं और इधर भी, तो इधर जो भाई साहब कमात को लगे हुए हैं भाई लोग। इधर से एक ट्रॉली निकाली है कल, तो एक पहले निकाली थी यहाँ से, अभी जो है उस वो साइड वाला कमाद काटा जा रहा है। सामने कुछ लोग लगे हुए हैं, इधर भी काफ़ी अच्छा सीन, बादलों का भी माशाल्लाह बना हुआ है। अभी सूर्य निकला हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यक ठंडा। चलें कोई नहीं, फिर भी इजी होने के लिए मैंने फिर कोट वगैरह नहीं पहना, ऐसे ही भाई साहब बिल्कुल ठीक है। गत्ता जो है वो आगे भी रख सकते थे, लेकिन वो ऐसे उठता रहता है, जंप वगैरह काफ़ी हैं जी सड़क पर, मैंने आगे लटका दिया। अभी यहाँ पर कुछ सेव है, लगा हुआ है जी। अभी हल्की हल्की हवा चल रही है ठंडी। मंडी कुछ सामान लिया है, लटका लिया है, काफ़ी अभी भी रश है हल्का फुल्का। और इधर एक ट्रक आया हुआ है जो आलूओं का, तो आलू को जो है बोरी लेनी है। किसी दिन जल्दी आएंगे सुबह टाइम और फिर लेकर जाएंगे। मेरे ख्याल में आलू की अब ट्रक जो खड़ा है फुल है ऊपर से। तो अभी फाइनली घर को जा रहा हूँ, चौकर की एक बोरी लिया कुछ मंडी से सामान। तो कोशिश कर रहे थे, सोच भी रहे थे कि सुबह किसी दिन जाएं और लेकर आएं आलूओं की एक बोरी। तो आलू जो हैं बोरी वो सस्ते ही मिल जाएंगे, मंडी से भी काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। तो फिर बोरी आ गई तो फिर काफ़ी देर निकल जाएगी। इसके अलावा बंदा चिप्स वगैरह खा लेता, चस्का लगा लेता कोई ना कोई। वो टेस्ट आज केमिस्ट्री का दे दिया है, अच्छा ही हो गया है इंशाल्लाह। पहले काफ़ी हवा चल रही थी, जैसे ही कच्ची सड़क पे आया हूँ तो काफ़ी धूप लगना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर बाइक मेरा बहुत ज़्यादा जंप करता है भाई साहब, लेकिन आज ऊपर बोरी पड़ी गया तो हेल नहीं रहा, सुकून से चल रहा है बैठ के, नहीं तो मुझे ऊपर ऐसे ऐसे करता है। क्योंकि शाफ्ट इसके जो हैं वो थोड़े ख़राब हैं, वो चेंज करवाने वाले हैं इस वजह से, नहीं तो शाफ्ट खुद ही नीचे ऊपर हो तो फिर बंदे को जंप वगैरह काम ही लगते हैं। इसके शाख को पिछले जो है उनका मसला है, आगे वाले को भी थोड़ा सा है, वो अभी हल्के हल्के करते हैं प्रेस। तो साथ वालों ने काफ़ी सरसों लगाई हुई थी तो अभी काट के रख दी है। तो कल हम जा रहे थे सिटी से, जब वापस आए तो फिर काट रहे थे, अभी तो मुकम्मल काट ली है सारी। ये वाली अभी इनके सरसों रह गई है, पिछली बार जो है काट ली है, तो ये भी काट लेंगे अभी आज या कल। आज तो कोई नहीं काट रहा, कल परसों तक काटेंगे। और इधर भी बरसेम का दूसरा लो तैयार हो गया माशाल्लाह। अभी हर तरफ से सब्जा है, बहुत ही खूबसूरत सीन है, और साथ में जो है हवा चल रही है तो हर चीज़ लहर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज मैं लेकर गया था इसी सुबह साथ में बोतल पानी की छोटी हाफ लीटर वाली, तो काफ़ी लोग शुगर भी कर रहे थे कि बोतल ले आया, क्योंकि कोई नहीं लाता, थोड़े जाट टाइप बंदे हैं सारे। टीचर्स वगैरह भी खुश हुए कि अच्छा किया है, बोतल खुद की होनी चाहिए के काले वगैरह का पानी इस्तेमाल वाला नहीं है, फिल्टर वाला नहीं है, फिल्टर वाला खुद इस्तेमाल करें पानी। चला बंदा वैसे भी इधर जाओ उधर जाओ सब बच जाता है, इजीली बोतल खोलें और पानी अपना जो पी लें। तो रात से ही तकरीबन हवा चल रही है, सुबह भी काफ़ी चल रही थी, तो सड़कें तो एक बार साफ़ हो गई हैं, मिट्टी कट्टा जो भी धूल थी हो गई है, अभी बहुत कम उठती है, अभी भी हवा चल रही है काफ़ी। तो भी भाई साहब घर आ चुका हूँ और डोर लाया हुआ है क्योंकि हवा चल रही है, मेरे ख्याल में भी खुलवाते हैं। पहुँच चुका हूँ, वर्दी जो है चेंज करता हूँ और कपड़े करके पहनता हूँ, कुछ खाना वगैरह का भी सोचते हैं। अभी तकरीबन 12:45 का टाइम हो गया है, इस टाइम भी बिल्कुल हमें छुट्टी होती है कॉलेज से, अभी इस टाइम में घर पहुँच गया हूँ। तो हेलो जी, कपड़े पहने जा चुके हैं, हवा देखें कितनी चल रही है। कुछ फ्रिज से देखी जी मिली है, पता नहीं क्या इसमें, हाय हाय खुशबूदार हैं जी गाजरें, ये खाते हैं। माशाल्लाह
अभी काफ़ी हवा चल रही है भाई साहब, वाह वाह वा, अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से चूकर बना हुआ था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था भाई साहब। मैं भी सोच रहा ख़त्म कैसे हो, क्या करें, मिट्टी भी दो तीन बार फेंकी फिर भी नहीं हुआ। अभी हवा चली है तो देखें मरूंडा हो गया। अभी तो भाई साहब बिल्कुल नहीं ख़त्म है। अभी ये शांता करके चलती रही तो सारी जगह फिट हो जानी है, सूख जानी है बिल्कुल। तो ये भाई साहब तोड़ दी सारी मिस्त्रियों ने, मिस्त्रियों का भी क्या किया जाए। सारी नीचे से छत का थोड़ा सा मसला था, ये भी टूट गई, आगे से रस्सियाँ उन्होंने बांध दी हैं। पीछे से यहाँ पर दो हैंडल होते हैं, ये पड़े हैं टूट के रखे हुए हैं ऐसे दो। सारी ठीक करवाने वाली है, मिस्त्री लगाएं तो भाई साहब रेडी का तो सत्यानाश कर देते हैं। क्या किया जाए इनका, कुछ नहीं कर सकते। निकलाऊँ ये बाहर तो मोर हमारे अंदर जो अगर गुस्सा आए हैं, तो दरवाज़ा खुला था तो ये अंदर आ गए। पहले भी एक दिन आ गए थे तो भी इनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अभी काटा जा रहा है जी चारा, आज थोड़ी लेट हो गई तो भाई क्योंकि गए हैं जी काम है कुछ पड़े भाई, तो फिर लेट हो गई। अभी काट रहे हैं बुझान और भाई जी शाम को भी डालेंगे चारा। अभी धूप आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, इसी में हवा चलते जा रही है। भाई गए हुए हैं जी सिटी, कोरोना का जो है कार्ड वगैरह बनाना है, तो उस सिलसिले में तो भी कुछ काम तो वो कर गए, कुछ अभी बाकी है। अभी भाई लोगों ने चारा काट लिया है तो चारा डाल रहे हैं जी पैंसों को। काफ़ी हवा चल रही है, अभी भाई जो है चारा डाला जा रहा है। कुछ जो है पान वगैरह भी बना लेते हैं भाई, और साथ में कुछ चारा होता है तो फिर ज़्यादा सब्ज़ भी नहीं ठीक, तो मिक्स वगैरह करके डाल दिया करते हैं। अभी आए हो जी छत पे, पैसे वगैरह तो बांध दी हैं, अपना खा रही हैं ऐश से। छत की भी सफाई हो गई है, एक दो दिन काफ़ी हवा चल रही है तो छत साफ़ हो गई है माशाल्लाह। पैसे वगैरह अपना लगी हुई हैं खाने, सामने देख सकते हैं रेवड़ आया हुआ है जी बकरियों का, तो अपने लगी हुई हैं खा रही हैं। तो पहले भी आए थे, इन्होंने हमारा अमरूद ख़राब कर दिया था, तो भी भाई साहब इन्हें कहा है कि अगर अमरूद को मसला बना ज़्यादा, पीछे से आधा खा गई थी, अभी आधा ऊपर बाकी है, अगर मसला बना तो आपकी खैर नहीं। अभी एक बंदा वहाँ पर खड़ा है ताकि अमरूद को छेड़े ना। एक हमारी छत पर राख काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर उड़ उड़ के सारी जो है नीचे भी काफ़ी चली गई। ये देखें अभी पट्टी जो है साफ हो गई है, यहाँ पर भी कुछ पड़ी थी, ताकि में भी पड़ी है वहाँ से, अभी उस पर कपड़ा दिया है ताकि उड़े ना, नहीं तो वहाँ से भी उड़ उड़ के नीचे काफ़ी चली गई। हवा चलने के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी, तो अभी अगर सर्दी में चले तो फिर तो सर्दी लगती है, अगर गर्मी में चले तो फिर काफ़ी फ़ायदा होता है। घर में तैयार हो रहे हैं जी गुड़ वाले चावल, तो गुड़ वाले चावल काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं। आज मैंने कहा कि तैयार कर ही लें, तो अभी चास तैयार हो गई है, चावल डाल देंगे और फिर पकेंगे, फिर दम हो जाएगा। तो अभी कुछ ही देर में 10-15 मिनट तक बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अक्सर मैं बनवा लेता हूँ गुड़ वाले चावल, कहता हूँ कि बना दें, बाकी काम ही पसंद करते हैं, मुझे काफ़ी पसंद है। गला मोड़ में एक जगह बेलना लगा हुआ है, तो वहाँ से भाई लोग गुड़ लेकर आए थे, तो पहले तो ख़तरा था कि गुड़ का जायका पता नहीं कैसा होगा। बब्बू जान भी कह रहे थे ठीक नहीं है, ठीक चावलों में डाला है तो माशाल्लाह बेहतरीन है, चावल खा के आया हूँ तो बेहतरीन लगा। अभी चावलों में इस तरह ही से ख़त्म कर देंगे। दो शॉपर लेकर आए थे मेरे ख्याल में, 5-6 kg था ज़्यादा तो माशाल्लाह। देखें जी अभी सूरज निकला हुआ है और परिंदे अपना चहचहा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ अदा कर ली असर की, तो दिन बड़े होते जा रहे हैं और रातें जो है छोटी, तो इस वजह से फिर लेट होती है नमाज़। 5 बज चुके हैं तकरीबन, पहले भाई साहब 5:30 बजे तो शाम मगरब की भी आ जाती थी, अभी 5 बजे असर की पड़ी है। 6:10 है हमारा जो टाइम है नमाज का मगरब का, तो अभी तकरीबन 1:10 पड़े हैं। जान ने कहा है कि आज कुछ जो है बनियाँ वगैरह बनानी है, तंबाकू की तैयारी करनी है ज़मीन में, तो हाल तो चला दिए थे एक बार, और कुछ आली वगैरह फेंकी हुई है अभी जो है जंदरे से, इसमें बन्ने तैयार करने हैं। बन्नों की तैयारी करना स्टार्ट कर दी है, तो दो लोग जो है जंदरे से तैयार करते हैं। वैसे मशीन वगैरह भी होती है, लेकिन दो चार बन्ने बनाने के लिए थोड़े से फिर मशीन की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह ये बनाए गए थे, ये भी इसी जंदरे से बनाए गए थे, ये सब्ज़ी के लिए बनाए हैं, तो भी वही बुजान जो है पाई तैयार कर रहे हैं।
एक एक जगह से एक पकड़ता दूसरी जगह दूसरा और फिर तैयार करते हैं। एक साइड तैयार हो गई, अभी दूसरी साइड से आके तैयार करेंगे। आज अभी ऊपर बादल ही बने हुए हैं, शायद बारिश रात को पड़ने का खदशा है। भी ऊपर ऊपर कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं बादल, सामने वहाँ पर ज़्यादा जो है गहरे। तो अभी एक साइड तैयार हो गई, दूसरी अभी जो है स्टार्ट कर दी तैयार करना। एक बंदा तो बिल्कुल जी रेडी हो गया है देखा जाए तो, और अभी इधर से जो है कर रहे हैं। तो अभी शाम का टाइम है और कुछ जो है सूरज निकला है सामने। काफ़ी ज़्यादा आली थी, तकरीबन सारी जगह ही फिल की हुई थी, तो हाल चलाया तो भाई साहब आली अभी कोई दिखाई नहीं दे रही। कहीं कहीं देखें थोड़ी थोड़ी से पता चल रहा है कि आली फेंकी हुई है, बाकी सारी मिक्स हो गई है इस ज़मीन में। अभी काफ़ी इसमें अच्छी फसल होगी आली, तो फिर खाद की जगह ही इस्तेमाल होती है, काफ़ी ताकत वाली। अभी कुछ इतनी जो है खालियां बनाई जा चुकी हैं और सूरज कुछ अभी सामने से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।